आहो सर सामने रखियो सर। घरों दे जी उषा देवी भड़ियाल ब्राह्मण चलो सामने हथ रखे एकड़ी फोटो लाओ सर सामने रोहित देखियो माड़ा चलो भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद चौधरी सावलाल जी जिंदाबाद चौधरी सावलाल जी जिंदाबाद जी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की शकुंतला देवी रंगपुर मुलाना चलो जी इंद्रो देवी कलोई आओ सरपंच साहब बहुत है तक बहुत है सुरजीत कौर कलोई सामने रखे सर गारो देवी चलो जी उषा देवी भड़ियाल ब्राह्मण सर सामने रोहित देखियो माड़ा चौधरी साहब की तरफ से गरीब लोगों को जितने भी बेचारे लोग जो गरीब लोग हैं बॉर्डर के स्टे करके इनको पंखे फैन दिए गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत है तो गर्मी को देखते हुए चौधरी साहब ने तो कम से कम भी 50 पंखे इन लोगों को दिए हैं तो पहले भी दिए थे और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आगे भी देंगे तो इसी चीज़ को गर्मी को मद्देनजर रखते हुए चौधरी साहब ने जी आज पंखे दिए हैं जी। मैं सरपंच ओमकार सिंह पंजाब कलोएं यहाँ हमारे चौधरी सावलाल जी जो दो बार MLA रह चुके हैं और एक बार मंत्री इन्होंने पहले भी सेवा जो है लोगों की हमेशा करते रहे और जो भी ज़रूरतमंद लोग जो हैं हर पंजाब के जिनको पंखे की ज़रूरत थी और सभी लोगों ने और सभी सरपंचों ने अपनी अपनी पंजाब से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ लेकर अपने चौधरी सावलाल जी ने पंखे उनको दिए हैं और ये एक बार नहीं ये कम से कम अभी गर्मी के जब का सीज़न चला है तो ये तीसरी और चौथी बार ज़रूरतमंद लोगों को पंखे ये दे चुके हैं और चौधरी सावलाल जी हमेशा जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत लोगों को होती है हमारी कंस्टिट्यूंसी जो है वो बॉर्डर के ऊपर है जब भी लोगों को किसी तरीके की भी कोई समस्या आ जाए तो चौधरी साहब हमारे साथ जो है वो खड़े हो जाते हैं जब कोई बॉर्डर के ऊपर हल जुल हो यहाँ लोगों को पीछे आने पड़े और कैंप में भी चौधरी साहब ने राशन जो है दिया है पानी जो है मौके पर पहुँचाया है और हमेशा हमारी सेवा जो है गरीब लोगों की करते रहते हैं। जय हिंद जय भारत।